जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि ऐड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि हम किन मकासद के तहत अपनी ऐड को रन करते हैं, कि हम अपनी ऐड क्यों रन करते हैं. समटाइम्स हम अपनी ऐड इसलिए रन कर रहे होते हैं कि हमें अपनी ऐड फेसबुक पेज के ऊपर इंगेजमेंट चाहिए होती है, मीन्स हमें लाइक्स फॉलोइंग्स वगैरह और शेयर्स ज़्यादा चाहिए. तो उसके लिए हम अपनी ऐड रन कर सकते हैं. इसके अलावा हम ट्रैफिक लाने के लिए अपनी ऐड रन कर सकते हैं. अगर हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा लाना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल्स पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, मीन्स हम ऑडियंस को ज़्यादा लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम ऐड रन कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने और भी काफ़ी हमने सिक्स जो थे ना ऑब्जेक्टिव्स कल हमने स्टडी किए थे, कि हम किन किन ऑब्जेक्टिव्स के कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. तो कल जो मैंने करवाया था उसमें से अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप लोग वो चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है. और उसके बाद आज हमने जो स्टडी करना है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे. आज हमने पढ़ना है कि कैंपेन किसे कहते हैं, ठीक है. तो जब हम कोई भी ऐड रन करते हैं ना, तो ऐड रन करने डिफरेंट तरीकों से हम ऐड को रन कर सकते हैं. एक तो हम जो हमारी फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, हम उन पोस्ट के नीचे बटन होता है बूस्ट पोस्ट का, ठीक है. तो हम उस बटन पे क्लिक करके अपनी पोस्ट को बूस्ट अप करते हैं, तो मीन्स वो हम उसकी पोस्ट के ऊपर ऐड रन कर रहे होते हैं, ठीक है. और सेकंड वे, मैंने आपको कल एक बताया था कि हमारा जो फेसबुक पेज है ना, हम उसके ऊपर ऐड मैनेजर में जाके अपनी ऐड को रन कर सकते हैं. और जब हम ऐड मैनेजर पे जाके अपनी ऐड को रन करते हैं, तो हमें अपने वहाँ पे ऐड को बनाने के लिए ना डिफरेंट पार्ट्स हमें उस ऐड के अंदर ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है. तो एक मिनट, तो पहले मैं वो शेयर करती हूँ, फिर हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी फेसबुक की स्क्रीन शेयर हो रही है. जी ओके. अब मैंने आपको यहाँ से बताया था कि आपने ना जिस पेज के ऊपर भी अपनी ऐड रन करनी है, उस पेज को आप ओपन कर लें और उसके बाद यहाँ से बर्गर मेन्यू पे क्लिक करें और इसे स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पे देखें नीचे ऐड मैनेजर की ऑप्शन आ रही है, ठीक है. आप इस पे क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कैंपेन्स और इसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट, मींस अगर हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे कैंपेन क्रिएट होगी. मैं आपको बताती हूँ कि कैंपेन होता क्या है, ठीक है. बेसिकली जो एक कैंपेन होता है ना, उसके अंदर एक से ज्यादा एड्स हम बना सकते हैं, ठीक है. मतलब कि हमारी एड का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, लेकिन मतलब फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर इंगेजमेंट्स लेकर आए, मतलब लाइक्स फॉलोइंग्स लेकर आए ज्यादा. लेकिन ऐसा समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम अपना जो ऐड है ना, वो डिफरेंट कंट्रीज में शो करना चाह रहे हैं. तो अब एक कंट्री की जो लैंग्वेज है, हो सकता है कि जैसे हम पाकिस्तान में शो करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उर्दू को रीड कर सकते हैं. लेकिन अगर हम यही ऐड किसी और कंट्री में शो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में करें, अब इंडिया के जो ज़्यादातर लोग हैं वो उर्दू रीड नहीं कर सकते ना, वहाँ पे हर कोई जो है पाकिस्तान में तो उर्दू नेटिव लैंग्वेज है, मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं सब लोग उर्दू उर्दू को पढ़ सकते. तो वहाँ पे मोस्टली लोग या तो इंग्लिश जानते को रीड कर सकते हैं या वो हिंदी को रीड कर सकते हैं, ठीक है. तो जब हम अपनी वही एड इंडिया में शो करवाएंगे, तो हम वही एड इंडिया में उर्दू में लिख के शो नहीं करवा सकते, बल्कि हमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा उसे, ठीक है. और इसके अलावा ये अगर फॉर एग्जाम्पल हम वो यही एड हम किसी इस इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में शो करवाना चाहते हैं, जैसे तुर्की में. अब देखें, जो तुर्की के जो मोस्टली लोग हैं ना, वो इंग्लिश को भी नहीं समझते, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को समझते हैं. मतलब वो अगर आप वहाँ पे इंग्लिश में भी ऐड रन करें ना, तो वहाँ इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, बजाय इसके कि अगर आप उनकी नेटिव लैंग्वेज में उन्हें उनकी अपनी ऐड शो करवाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग तो इंग्लिश वहाँ पे रीड कर सकें और उसको समझ सकें, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं समझते, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छा समझते हैं. तो आप अपनी वही ऐड जब तुर्की में शो करवाएंगे, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज में शो करवाएंगे, ठीक है. यानी आपने एक ही ऐड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जब शो करवाई, तो आपने उस ऐड के डिफरेंट वेरिएंट्स शो करवाए हैं, ठीक है. तो अब हम ये नहीं करेंगे कि हर एक कंट्री के लिए अलग अलग से हम बिल्कुल ही मतलब स्टार्टिंग से ऐड बिल्कुल न्यू बनाने बैठ दे, बल्कि ये करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव एक ही चूज कर लेंगे. जैसे यहाँ से हमने अगर इंगेजमेंट लानी है ना, हमने इंगेजमेंट एक मतलब कैंपेन लेवल पे ही चूज कर लिया, ठीक है. अब स्टार्टिंग हमने इंगेजमेंट यहाँ से चूज कर लिया, इसके बाद हम इसके अंदर जाके अपना एड्स एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट हम एड सेट्स बना सकते हैं, ठीक है. एड सेट्स क्या होता है, कि एड सेट लेवल के ऊपर हमने अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना होता है कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, यानी वो जो ऑडियंस होगी उसकी एज ग्रुप क्या होगा, उसकी अच्छा वॉइस नहीं ठीक आ रही, अब्दुल अहद कह रहे हैं, बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है या सबको ही नहीं ठीक आ रही.
मिस क्लियर है। दुलाहद आप अपना ना इंटरनेट का कनेक्शन चेक कीजिएगा, नेट का कनेक्शन देखिए आपका नेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर है। ये मैंने आपको जहाँ तक अभी ये बताया कि हम जब एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट जो एड्स होती है ना, मतलब एक कैंपेन डिफरेंट एड्स का एक ग्रुप होता है, मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की एड्स हम इकट्ठी ही बना लेते हैं। जब हमने मतलब एक ही उन एड्स का गोल सेम होता है, मतलब हमारा मकसद सेम है अपनी एड दिखाने का, लेकिन अगर हमने वो डिफरेंट उन एड्स के डिफरेंट वेरियंट्स बनाने हैं तो हम एक ही कैंपेन के अंदर उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एक जो कैंपेन है वो डिफरेंट एड्स का एक सेट होता है, और एक कैंपेन के अंदर जो होते हैं ना, ये एक हायरार्की होती है। एक में मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ, तो उससे आपको ये ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आपको स्लाइड शो हो रही है, जल्दी जल्दी बताया करें स्टूडेंट्स, स्लाइड शो हो रही है आपको पावर पॉइंट की। चलें ठीक है, एक में मैं इसमें पिक्चर ओपन करती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेन जो होता है ना हमारा एक कैंपेन होता है, ये मेन चीज है। इसके अंदर हम ना अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं कि आपने आपका मकसद क्या है अपनी ऐड को रन करने का। आप इंगेजमेंट लाना चाहते हैं, ट्रैफिक लाना चाहते हैं, या लीड्स आपने गैदर करनी है, या वेबसाइट विजिट्स, क्या चीज सेल्स चाहते हैं, मतलब जो भी आप चाह रहे हैं ना अपनी कैंपेन से ऑब्जेक्टिव गेट करना, वो आप यहाँ पे कैंपेन लेवल पे डिफाइन कर देते हो। ठीक है, उसके बाद कैंपेन, एक कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे उन्होंने टू शो किए हैं ना, टू से भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो ये जस्ट उन्होंने मतलब एक पिक्चर में के थ्रू आपको बताया गया है कि एक से ज्यादा एक कैंपेन में एड सेट हो सकते हैं। ठीक, अब जब एड सेट होता है ना, इसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, अपनी ऑडियंस को डिफाइन करते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ ऑडियंस को कैसे डिफाइन करने का क्या मतलब है। ठीक है, ये हमने आई थिंक हमने जब पोस्ट को बूस्ट किया था ना, तो उसमें मैंने आपको ऑडियंस डिफाइन करके भी दिखाया था। ऑडियंस टारगेटिंग हमने उसमें देखी थी ना, कि हम किस एज ग्रुप के लोगों को हम अपनी एड शो करना चाहते हैं, और उनका जेंडर क्या होना चाहिए, और इसके अलावा उनके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, मतलब जिन लोगों के इंटरेस्ट ये हो हम उनको ये वाली एड शो करना चाहते हैं। हमने इस तरह से कुछ देखा था, याद है आप लोगों को? तो ये वही वाली चीज अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हमने अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है, कि हमने किस किस टाइप की ऑडियंस को अपनी एड को शो करवाना है। ठीक है, तो आप वो दोनों हर अगर आपने एक से ज्यादा एड सेट बनाया ना, आप हर एक एड सेट में ना डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। मींस के अगर आपने ये वाली जो एड सेट है फर्स्ट वाली, उसमें एक एज ग्रुप के पीपल्स को टारगेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आप ना कुछ सेल कर रहे हैं, जैसे आप लेडीज अपेरल सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपने अगर तो वो ऐसे अपेरल्स हैं जो कि आपको लगता है कि वो यंग गर्ल्स भी पहन सकती हैं, और थोड़ी सी ज्यादा एज की गर्ल जो वीमेन है वो भी पहन सकती है ना, तो अब आप टेस्ट करना चाहते हैं कि इन कौन से वाले ऑडियंस है ना वो ज्यादा इसमें से मेरे से ये चीज ये वाले क्लोथ्स को परचेज करेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप एक एड सेट में एक एज ग्रुप लिख दें, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने जो यंग गर्ल्स का एज एज ग्रुप है वो लिखते हैं एक एड सेट में, और जो सेकंड वाला एड सेट है उसमें थोड़े से जो एजेड पीपल है उनका जो एज ग्रुप है वो लिखते हैं। ठीक है, और फिर जब आप अपनी ऐड को रन करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा कि कौन सी वाली जो है ना ऐड उस वाले उससे मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उस कौन सी वाली ऐड को रन करने से मुझे ज्यादा सेल्स आ गई है, या कौन सी ऐड को रन करने से ज्यादा इंगेजमेंट्स आई है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें किस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब ऐड रन करेंगे तो आप उसी एज ग्रुप के लोगों को ही अपनी ऐड शो करवाएंगे। तो इस तरह से आपका बजट भी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करेंगे उतना ज्यादा हमें बजट भी लगाना पड़ेगा अपना। ये बात आपको समझ आई जो मैंने अभी आपको ऑडियंस के बारे में बताया, कि आपने कैसे अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है, और कैसे डिफरेंट एड सेट्स में डिफरेंट ऑडियंस को आपने इंक्लूड करना है। इसके अलावा ना स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ना सिर्फ ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल जस्ट दिया ना, कि हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को ऐड कर सकते हैं डिफरेंट एड सेट्स में। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एड सेट में एक इंटरेस्ट के पीपल ऐड कर दिए और दूसरे में दूसरे इंटरेस्ट के पीपल, जैसे हम देखें कि कोई फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक पेज है, तो चलिए वो तो मैं आपको इस्लामिक पेज वाली एग्जाम्पल मैंने ना नेक्स्ट में देनी है, उसमें मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, तो उसमें मैं वो एक्सप्लेन करूंगी आपको पिक्चर्स के थ्रू। अभी ना आप दूसरी एग्जाम्पल समझें, कि फॉर एग्जाम्पल आप ना अपना कोई मोबाइल की एक्सेसरीज जो है ना वो सेल कर रहे हैं। ठीक, तो आप मोबाइल एक्सेसरीज जब सेल कर रहे हैं तो उसकी जो ऑडियंस होगी वो होगी जो कि मोबाइल्स में इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पे वो वाले लोगों को एक ऐड सेट में टारगेट कर लोगे जिनका इंटरेस्ट मोबाइल में है और मोबाइल एक्सेसरीज में है। ठीक है,
इसके अलावा वो ऑडियंस भी तो हो सकती है ना, कि जो मोबाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, तो वो भी मोबाइल एक्सेसरीज जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। और मोस्टली ये जो बॉयज होते हैं उनको इंटरेस्ट ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मोबाइल्स में भी उनको ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक एड सेट में अपनी वो वाली ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं जो कि मोबाइल में और मोबाइल फोन एक्सेसरीज वगैरह में इंटरेस्ट रखती हैं, और दूसरे एड सेट में उनको टारगेट कर लेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मतलब इंटरेस्ट की बेस पे भी हम एड सेट को अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंट मतलब हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आप इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट को अलग अलग एड सेट्स में ही करें, आप दोनों इंटरेस्ट एक एड सेट में भी इकट्ठे कर सकते हैं। मीन्स कि आप एक एड सेट में ही ऐड कर दें कि वो लोग जो मोबाइल एक्सेसरीज में और मोबाइल्स में इंटरेस्ट रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबको हम इकट्ठा टारगेट कर लें। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। ये जस्ट ये होता है कि अगर हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं ना कि हमारी प्रोडक्ट किस टाइप की ऑडियंस ज़्यादा खरीद रही है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसी टाइप की ऑडियंस को टारगेट करें और हमारा जो बजट है ना वो सेव हो जाए, तो उसके लिए हम ये टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो एक एड सेट होता है ना उसके अंदर एक से ज़्यादा एड्स भी हो सकते हैं। एड्स ज़्यादा होने का क्या मतलब है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एड बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि ऑडियंस को शो नज़र आ रहा होता है। मीन्स उसके अंदर एक एड की जो है ना, लेकिन मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक एड है, ये लोग जो है ना ऑडियंस को शो होगी। इसके अंदर एक तो आपकी एक पिक्चर शो हो रही है, इसके अलावा ऊपर एक प्राइमरी टेक्स्ट शो हो रहा होता है। ठीक है, और नीचे कोई बटन शो हो रहा होता है, जैसे ये लाइक का बटन शो हो रहा है कि इस पे क्लिक करके आपका पेज लाइक करेंगे वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से ना आपकी एड शो होती है। तो जो एक एड सेट होता है ना उसके अंदर आप एक से ज्यादा एड्स भी बना सकते हैं, और हर एक एड के अंदर डिफरेंट इमेज आप लगा सकते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट प्राइमरी टेक्स्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, और बटन्स भी डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। आप समझ आ गए आपको ये बात, ये तीनों चीजें के कैंपेन लेवल अलग क्यों है, एड सेट कैंपेन लेवल होता क्या है, उसके बाद एड सेट क्या होता है, और एड लेवल क्या होता है? इन तीनों में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो मुझे जल्दी से आप चैट बॉक्स में पूछें, मैं ये बताती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब्दुल अहद कह रहे हैं रिपीट कर दें। क्या रिपीट करूँ, कौन सी चीज़ आपको तीनों में समझ नहीं है, या तीनों ही समझ नहीं है, तीनों रिपीट करने हैं? जो स्पेसिफिकली आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आई ना, मतलब वो चीज़ लिख के पूछा करें कि ये रिपीट करें, कि मैं पूरा ही रिपीट करूँ इतना लंबा। अच्छा, एड लेवल आपको समझ नहीं आया। ये देखें, एड लेवल का मतलब कि वो आपको जो जो एड आपने लोगों को शो करनी है ना, वो आपने यहाँ पे बनानी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ना आपने जैसे ये देखें, आपने अपना एक इमेज देना होता है या फिर वीडियो देनी होती है जो अपनी एड के अंदर शो करवाना चाहते हो। ठीक है, आप दोनों चीजें दे सकते हो, चाहे तो आप सिंगल इमेज दे दो, या फिर आप एक उसके अंदर वीडियो दे दो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा इमेजेस अपनी एड में शो करवा दें। जैसे हमने देखा होगा कि कुछ जो विमेन क्लोथिंग के ब्रांड्स होते हैं ना, उनकी एड के अंदर ना यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे से इमेजेस आ रहे होते हैं, और उनको आप स्क्रोल करके आगे करें तो आगे और भी उनके अंदर क्लोज के इमेजेस आ रहे होते हैं। मतलब वो एक ही एड में एक से ज्यादा इमेजेस शो हो रहे होते हैं। हमने यूट्यूब पे देखा होगा काफी एड्स शो हो रही होती हैं जो विमेन क्लोथिंग की होती हैं, उसके अंदर उन्होंने उनका पूरा कैटलॉग ही ऑलमोस्ट शो हो रहा होता है, आप उसको स्क्रॉल करके सारी की सारी इमेजेस देख सकते हो। तो आप इस तरह के मतलब हम यहाँ पे जो एड लेवल है ना, यहाँ पे हम खुद से बनाते हैं, या तो आप सिंगल इमेज एड बना लें, या वीडियो एड बना लें, या कैरोसोल एड बना लें। कैरोसोल एड होता है जिसमें आप एक से ज्यादा इमेजेस को ऐड कर लेते हो। ठीक है, तो इस एड लेवल के ऊपर हमने अपनी इमेज या वीडियो जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो करना होता है। इसके अलावा आपने एड के ऊपर जो आप लाइंस शो करवाना चाह रहे हैं ना अपने कस्टमर को, सॉरी ऑडियंस को, वो आपने लिखनी होती है। ठीक है, और इन लाइंस के अंदर ना अगर तो ये तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको शो करवाया एक ऐड जो कि इंगेजमेंट का ऐड है, मीन्स आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स या फॉलोइंग्स वगैरह इंक्रीज करने के लिए ऐड रन कर रहे हो, तो इसमें तो हम कोई ऐसी ऑफर वगैरह तो नहीं होने देंगे, लेकिन मतलब आप ये बता सकते हैं इसमें कि हमारा जो पेज है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कुरान पाक भी पढ़ा रहे हैं, तो या फिर आप इस तरह की जो जैसे
तफसीर के बारे का कोर्स वगैरह करवा रहे हैं, तो अब वो यहाँ पे जो है ना प्राइमरी टेक्स्ट, उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कोई ऑफर ऐसी दें जिससे कि लोग अट्रैक्ट होके आए। अगर आपका कोई ब्रांड है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपने उसमें कोई अच्छी ऑफर देनी है कि हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर हमारे पास कुछ कोई ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं, मतलब कुछ ऐसा बताएं जो कि यूनिक हो आपके पास, जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो वो आपने यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना उसमें मेंशन करना होता है, तो ताकि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हों और वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक भी करें, ठीक। इसके अलावा हमने यहाँ पे ना एक बटन शो लगाना होता है। अगर वो बटन जैसे अगर आपने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने मैसेजेस गेट करने हैं व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगेगा, ठीक है। और अगर आप ये कब ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने इंगेजमेंट्स गेट करनी है, मतलब फॉलोइंग इंक्रीज बढ़ाना है या इंक्रीज वो लाइक्स लेके आने हैं, तो यहाँ पे ये लाइक का बटन लग जाएगा, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर ना डिफरेंट, जो आपने कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव चूज किया उस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ना आपके ये जो एड लेवल की सेटिंग है ना, वहाँ पे डिफरेंट बटन शो हो रहे होते हैं, आपने उनमें से कोई भी बटन चूज करना होता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, 1.5 मिनट ही रह गया ऑलमोस्ट, तो मैं ये लीव कर देती हूँ, फिर मैं दोबारा से मीटिंग का आपको लिंक सेंड करती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक आप लोग ये भी देख लें, जो मैंने आपको ये बात सब कुछ समझाया ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं फिर जब नेक्स्ट लिंक सेंड करूंगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमने स्टडी कर लिया कि कैंपेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैंपेन होता क्या है असल में, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने देखना है, एक मिनट मैं स्लाइड ओपन कर लूँ। जी अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि एक जो कैंपेन होती है ना उसके अंदर जो वो एक सेट होता है डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स का, और वो सारे की सारी एड्स जो होती हैं वो एक ही ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे होते हैं, मतलब सब एड्स का ऑब्जेक्टिव सेम होगा जो आप एक कैंपेन के अंदर बनाएंगे, ठीक। और जब वो जो एड होती है ना उसका उसके थ्रू आपको कुछ कन्वर्जेंस मिलती हैं। अब कन्वर्जन क्या होता है कि कन्वर्जन ये होता है कि आपके जो ब्रांड है ना उसका जो भी डिजायर्ड एक्शन है, आपने आपका जो ब्रांड है उसका डिजायर्ड एक्शन ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके जो आप एक लिंक दें अपनी एड के अंदर और लोग उस लिंक पे क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे जाएं, तो वो लिंक पर क्लिक करना भी आपका डिजायर्ड एक्शन हो सकता है, और अगर किसी ने वो क्लिक कर दिया तो हम कहेंगे कि ये एक कन्वर्जन है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे कुछ लेडीज ब्रांड जो अपेरल के ब्रांड्स होते हैं उनके अपने न्यूज लेटर्स भी होते हैं, ठीक। तो वो जो न्यूज लेटर्स होते हैं ना जब हमने उसको रीड आउट करना होता है तो उससे पहले ना उसमें साइन अप लिखा होता है, तो साइन अप करने के लिए वो हमसे हमारा ईमेल एड्रेस वगैरह मांगते हैं। तो ये ईमेल एड्रेस का उन्हें क्या फायदा होता है कि जब हमारा ईमेल एड्रेस उनके पास चला जाता है, तो उनके पास जब वो जब न्यू अपना वॉल्यूम लॉन्च करते हैं या न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं ना, तो हमारे ईमेल एड्रेस पे वो हमें मेल कर देते हैं कि हमारा ये न्यू वॉल्यूम लॉन्च हुआ है, तो आप इसको भी आप क्योंकि जो लोग उनका देख रहे हैं न्यूज लेटर साइन अप करेंगे जाहिर है वो उनके ब्रांड में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो वो फिर न्यूज लेटर साइन अप करना भी एक ब्रांड का पर्पस हो सकता है कि उनकी एड का पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो डिजायर्ड एक्शन न्यूज लेटर को साइन अप करना है किसी ब्रांड का, तो अगर तो किसी ने वो साइन अप कर लिया तो वो भी उस ब्रांड के लिए कन्वर्जन हो जाएगी। तो कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे हम पहले भी लेक्चर में आपको अक्सर बोलती थी कि जो कस्टमर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे बाय करने में, तो कन्वर्ट होने का मतलब कि वो आपका जो अगर तो आपका डिजायर्ड एक्शन ये है कि लोग मेरे से वो चीज़ परचेज करें, तो अगर तो वो परचेज कर रहे हैं, अगर उन्होंने एड टू आपकी जो भी आइटम है उसको ऑर्डर कर दिया है, तो ये आपका डिजायर्ड एक्शन जो है वो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो ये कन्वर्जन हो गई, ठीक है। तो जो भी आपका डिजायर्ड एक्शन है ना वो आपकी कैंपेन के थ्रू लोग अगर परफॉर्म करते हैं और वो आपका फिर हम इसको कहते हैं कि हमारी कैंपेन की वजह से हमारे पास कन्वर्जन आई है, ठीक है। इसके अलावा हमारा किसी ब्रांड का डिजायर्ड एक्शन ये भी हो सकता है कि लोग उनको फोन कॉल्स करें, ठीक है। तो फोन कॉल्स के थ्रू लोग उनसे कोई उनकी जो है प्रोडक्ट वो भी से उनके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और फिर उसके अंदर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो उसका उसको ऑर्डर करें, ठीक। इसके अलावा कुछ जैसे ब्रांड्स होते हैं उन्होंने अपनी एप्स बनाई होती हैं,
तो उनका ये पर्पज हो सकता है कि उनकी ऐप को लोग डाउनलोड करें। जब ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो उनकी ऐप के थ्रू परचेज भी करेंगे कुछ ना कुछ, तो इस तरह से उनको पास सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वो एक्शंस जो कि कोई ब्रांड चाहता है कि कोई भी परफॉर्म करे उनकी कैंपेन के उनके एड्स को देखकर, वो एक्शन से कोई परफॉर्म करता है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस आना। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्शन ये भी हो सकता है कि वेब पेज को लोग विजिट करें। ठीक है, तो ये सारी कन्वर्जेंस हैं डिफरेंट जो कि किसी कैंपेन का रिजल्ट के तौर पे कोई ब्रांड गेट करता है। ठीक है, कन्वर्जन का आपको क्लियर है सब बच्चों को? हमने कैंपेन लेवल पे हम जो जो चीजें हम डिफाइन कर रहे होते हैं उनमें एक हम अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हमारी कैंपेन को रन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा हम ये बताते हैं कि हम किन कंट्रीज में अपनी एड को रन करना चाहते हैं। ठीक है, वो हम कैंपेन लेवल पे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है, कैंपेन लेवल पे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारी एड किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो एक मिनट तो कि मैं आपको स्लाइड शो करती हूँ फेसबुक पे, वहां पे हम कैटेगरीज देख लेते हैं। अच्छा, कैटेगरीज में जब यहाँ से कंटिन्यू करूंगी ना फिर शो होंगी, लेकिन उससे पहले ना एक चीज आप देखें, यहाँ पे ना ऊपर ऑप्शन लिखा आ रहा है, तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ ये ऑप्शन क्या क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे बाइंग टाइप लिखा हुआ है ना, इसके नीचे टू ऑप्शन है, एक है ऑप्शन और दूसरी है रिजर्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आप लोग ना एक मतलब ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको ये चीज समझ आ जाए, इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ऑप्शन और रिजर्वेशन में क्या फर्क है। तो अब देखिए, ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन का मतलब होता है बिडिंग करना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्लॉट वगैरह से खरीदते जाते हैं कुछ लोग, तो उसमें तब वो वहां पे ना बोली लगती है कि एक शख्स कहता है मैं इतने का पैसे दूंगा आपको ये प्लॉट के, दूसरा कहता है मैं इतने अमाउंट में खरीदना चाहता हूँ, तीसरा उससे भी ज्यादा बढ़ा के बोलता है। मतलब वो वहां पे ना लोग एक दूसरे से ज्यादा ज्यादा अमाउंट में बता रहे होते हैं कि हम इस अमाउंट इतनी अमाउंट आपको देंगे, आप हमें ये अपनी प्रॉपर्टी जो है ना हमें आप सेल कर दें। तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट बताता है उसको उसको वो लोग एंड में अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बिडिंग या ऑप्शन। ठीक है, यानी बोली लगाना। इसी तरह से फेसबुक में भी जब आपने अपनी एड रन करनी होती है ना, तो आप यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है ऑक्शन और एक है रिजर्वेशन। ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन जो होती है ना ये बाय डिफॉल्ट ये वाली कैटेगरी हर एड की सिलेक्ट हुई होती है, अगर आप खुद फिर आप इस कैटेगरी को ना चेंज कर सकते हो रिजर्वेशन पे। ठीक है, तो ऑक्शन असल में क्या होता है, जब भी कोई एड रन होती है ना तो फेसबुक ना देखता है, फॉर एग्जाम्पल एक ही टाइप की एड है वो मुख्य लोग रन कर रहे हैं, मतलब जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स की जो है ना फॉर एग्जाम्पल एड्स हैं, अब वो सारी हैं तो एक ही कैटेगरी ना क्लोथिंग कैटेगरी की एड्स हैं, तो अब वो मुख्तलिफ लोग रन कर रहे हैं, अब उसमें से फेसबुक ये देखता है कि कौन सा शख्स मुझे अपनी एड को दिखाने के ज्यादा पैसे दे रहा है, और दूसरा फेसबुक अगर तो इस तरह से फेसबुक सिर्फ यही देखे कि कौन सा शख्स ज्यादा पैसे दे रहा है, तो फिर सिर्फ जो सबसे ज्यादा पैसे देगा ना सिर्फ उसी की एड ज्यादा शो होगी लोगों को। लेकिन फेसबुक जो है ना वो क्वालिटी भी देख रहा होता है, वो आपकी एड की क्वालिटी देखता है कि आप जो अपनी एड के अंदर आपने इमेजेस या वीडियोस प्रोवाइड की हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड लोगों को दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो वो कैसी क्वालिटी की है, उनको देख के फेसबुक जज करता है। अब अगर एक शख्स ज्यादा पैसे तो दे रहा है लेकिन उसकी एड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है ना, तो फिर फेसबुक उसकी एड को ज्यादा लोगों को शो नहीं करवाएगा, उसकी जगह उस शख्स की एड को शो करवाएगा जो चाहे उससे थोड़े कम पैसे दे रहा है लेकिन वो अच्छी क्वालिटी उसकी ऐड की है, तो उसकी ऐड को ज्यादा शो करवा देगा लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ऑक्शन के अंदर बिडिंग होती है, मींस कि ये देखा जाता है कि कौन ज्यादा पैसे दे रहा है तो उसकी ऐड और कौन ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ऐड भी दे रहा है, उस लिहाज से फेसबुक ज्यादा लोगों को ऐड शो करवाता है। ठीक है, और एक होता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या होता है कि आप पहले ही बता देते हैं कि मुझे टोटल मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ। अच्छा, आप एक चीज नोट करें, जब मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया ना, तो ये कितनी सारी इसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो है ना पूरे 6 के हो रहे थे, अब मैं जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन पे क्लिक करूंगी ना ऑब्जेक्टिव जस्ट 2 आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो रिजर्वेशन है ना इस के ये वाली बाइंग टाइप में जस्ट आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, यानी ये 2 ऑब्जेक्टिव के लिए ही आप रिजर्वेशन को सिलेक्ट कर सकते हो।
अब देखिए, रिजर्वेशन में आप या तो अवेयरनेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एंगेजमेंट के लिए। अब जब ये वाला अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव था, इसके अंदर हमने ये देखा था कि या तो आप रीच इंक्रीज कर सकते हैं, यानी अपने ब्रांड की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें, चाहे वो आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। हर किसी को आप अपनी एड शो करवा दें, चाहे वो आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड है या नहीं है, सबको शो करवा दें। और दूसरा हमने इसमें ये देखा था कि हम ब्रांड अवेयरनेस करें, यानी हम ये देखें कि वो वाले लोगों को अपनी ब्रांड एड को शो करवाएं जो स्पेसिफिकली आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड भी हैं, और उसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें। मीन्स कि एक वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनको एक से ज्यादा मतलब अपनी एड शो करवा दें। ठीक है, तो इसमें अगर आप रिजर्वेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो जब आप अपना बजट देते हैं कि मैं इतना बजट स्पेंड करूंगा, तो फेसबुक आपको बता देते हैं कि इतने बजट पे मैं इतने लोगों को आपके एड शो करवा दूंगा, यानी इतनी आपकी रीच हो जाएगी। यानी वो यहाँ पे एस्टिमेटेड नहीं होता, मतलब आपको कंफर्म अमाउंट, कंफर्म जो नंबर ऑफ पीपल है ना, वो फेसबुक शो कर देगा कि इतने ही लोगों को मैं एड शो करवाऊंगा। यानी यहाँ पे एक आपकी जो प्राइस है ना, जितने आपने पैसे दिए वो फिक्स हो गए, और उन पैसों के एक्रॉस जो वो आपको रीच ला के दे रहा है वो भी फिक्स है। ठीक है, लेकिन जो ऑक्शन होती है ना उसमें फिक्स नहीं होता, उसमें जो आपकी रीच है ना वो फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करता है आपकी एड की क्वालिटी पे। अगर आपकी आप पैसे कम ज्यादा दे रहे हो और आपकी ऐड की क्वालिटी भी ज्यादा है ना, अच्छी है, तो आपकी रीच बढ़ जाएगी, फेसबुक ज्यादा लोगों को आपकी ऐड शो करवाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी नहीं है, और अच्छा आपकी ऐड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो फेसबुक फिर आपकी ऐड ज्यादा लोगों को शो नहीं करवाएगा, आपकी रीच थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप फर्ज करें आप एक शख्स है, उसकी एड क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो दूसरे के नीचे थोड़ा सा कम पे भी कर रहा है ना, तो फेसबुक ने उसको ज्यादा रीच दी, ज्यादा लोगों को उसकी एड शो करवाई। अब उसे कम पैसों में रीच ज्यादा मिल गई ना, इसका मतलब ये हुआ कि कम उसको मतलब एक शख्स को एड शो करवाने के उसे पैसे कम देने पड़े हैं। ठीक है, तो ये पैसे वो कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा है, डिफरेंट मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल को ऐड दिखाने के पैसे कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा है, ये डिपेंड कर रहा है अब उसकी ऐड की क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो आपने जितने पैसे दिए ना एक शख्स को ऐड शो करवाने के, वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कंपेटिटर्स पर। ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो आपको उसमें पैसे कम ज्यादा नहीं हो सकते, वो जितने आपने पहले डिफाइन कर दिए, आपने खुद कह दिया कि मैंने इतने पैसे देने हैं, और फेसबुक ने उसके क्रोज आपको बता दिए इतने पैसों के क्रोज में इतने लोगों को आपकी एड शो करवाऊंगा, तो वो स्पेसिफिक उसने बता दिया, अब वो कम ज्यादा नहीं होंगे पैसे। ठीक है, अब तो उसने अगर आप उसने उतने लोगों को शो करवाई है ना, तो उतनी ही अमाउंट में पैसे लगेंगे। समझ आ गई इस बात की आपको? ये ना आप लोग थोड़ा सा एक मतलब ना मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, रिजर्वेशन और ऑक्शन वाले, जो आपको लेक्चर की दोबारा से मिलेगी रिकॉर्डिंग, उसमें भी दोबारा से सुन लीजिएगा, और मैं आपको ना इसकी स्लाइड भी शेयर कर दूंगी, तो इसको थोड़ा ना अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या मतलब है ऑक्शन का, ये हमने कब यूज करना है कब नहीं करना। ठीक है, तो मेनली जो है ना मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑक्शन जो है ना ये ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हम ये देखें समटाइम जैसे आप अवेयरनेस और चेंज किया रिजर्वेशन में। ठीक है, अब देखें जो रिजर्वेशन है वो अवेयरनेस और एंगेजमेंट दोनों में यूज हो सकता है ना, लेकिन अब मैं इसी को ऑक्शन में चेंज करूंगी ना, अब ये देखें इसमें भी अवेयरनेस और एंगेजमेंट दोनों आ रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम ना ऑक्शन ही यूज कर लें, अवेयरनेस और एंगेजमेंट में भी ऑक्शन यूज करें, बाकी समय तो होना ही ऑक्शन यूज है। ठीक है, इसमें ये यूज करने का फायदा क्या होगा कि अगर तो आपकी एड क्वालिटी अच्छी है ना, तो और दूसरों से एयर क्वालिटी अच्छा, तो आपको कम पैसों में ज्यादा रीच मिल जाएगी, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन यूज कर रहे हैं ना, तो आपको फिर मतलब एक स्पेसिफिक आप अमाउंट फेसबुक ने डिफाइन की हुई है कि इतनी अमाउंट मैंने इतने लोगों को रीच देनी है, तो वो आपको थोड़ी महंगी रीच भी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपकी एड क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, सर्विसेज अच्छी हैं, तो उन पर डिपेंड करते हुए अगर आप ऑप्शन यूज कर लेंगे ना, आपको कम पैसों में अच्छी रीच भी मिल सकती है। ठीक है, मतलब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे उसमें, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जो है ना एड क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, अपने इमेजेस की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और आप जो ऑफर दे रहे हैं ना अपनी एड में, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अच्छा मैं इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने ऑप्शन ही रखे हैं, और इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं अवेयरनेस पे चली जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है ना, हम पहले इस पे चले जाते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा अब देखें, अब ये 3 लेवल शो हो रहे हैं। जो फर्स्ट है ना, ये कैंपेन लिखा हुआ है ना, न्यू अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि मैंने स्टार्ट में अपना ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस चूज किया था ना, तो कैंपेन के साथ उन्होंने आपके ऑब्जेक्टिव का नेम लगा दिया है कि आपकी अवेयरनेस की कैंपेन बन रही है और आपने न्यू जनरेट की, इसलिए साथ न्यू अवेयरनेस कैंपेन लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो सब लेवल है वो एड सेट होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट्स होते हैं, और हर एड सेट में आप डिफरेंट ऑडियंस के ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हो, डिफरेंट एज ग्रुप की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, डिफरेंट इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक कैंपेन के अंदर जो है ना, अभी यहाँ पे एक ही एड सेट हो रहा है, अगर मैंने एक से ज्यादा बनाना है तो मैं ये 3 जो डॉट्स है ना इस पे क्लिक करूंगी। अब इस पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट, मैं डुप्लीकेट पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी ओरिजिनल जो कैंपेन है आपने उसको डुप्लीकेट करना है, मतलब ये जो मैंने अभी बनाई है आपने इसी को ही डुप्लीकेट करना है, तो मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया। अब ये देखें, ये एक कैंपेन है, उसके अंदर एक ये देखें, ये 4 डॉट्स से आप देखें, ये इन्होंने ना हर कैंपेन का साइन डिफरेंट है, और ये जो एड सेट है उसका डिफरेंट साइन है। ये जो एड सेट है इसके ये 4 वाले 4 स्क्वेयर्स है इसका साइन, ठीक है, जैसे विंडो का साइन होता है उस टाइप का। और ये वाला जो एड्स आपकी एड है उसका साइन उन्होंने एक नोटबुक के पेज की तरह का बनाया हुआ है, कि उसके ऊपर जैसे आप अपनी एड बना रहे होते हैं तो उसके उसके अंदर हम अपनी वो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह भी लिखते हैं ना, तो ये उन्होंने उस टाइप का बनाया हुआ है, ऊपर शो किया हुआ कुछ लिखा हुआ। तो अब आप साइंस के से देखें, ये 2 साइंस जो है आपके एड सेट के आ रहे हैं, ठीक है, मीन्स आपकी एक कैंपेन है सिंगल, और इसके अंदर ये 2 एड सेट्स है, ठीक है, और हर एक एड सेट के अंदर एक एक एड बना हुआ है, ठीक है, समझ आई इस बात की। एक मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ, मैंने बोला नहीं है यहाँ पर आपको करते बताए। अब ये देखें, ये एक जो एड सेट है ना, इसके अंदर ये एक एड है, ठीक है, जो एड होता है ना उसको हम एड कॉपी भी बोलते हैं, ठीक। तो ये एड कॉपी हम इसको, जो एड कॉपी होता है ना उसके अंदर मतलब प्राइमरी टेक्स्ट, आपका इमेजेस, आपका जो कॉल टू एक्शन बटन होता है ना, वो तीनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं, इसलिए हम इसको एड कॉपी भी कहते हैं। अब अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना 3 डॉट्स पे, और मैंने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट किया, अब देखिए इसने ना आपकी एड की एक और कॉपी जनरेट कर दी है, और जो जो, जो चीजें वो कॉपी में जनरेट कर रहा है उसके आगे कॉपी लिख भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ये एड सेट की कॉपी जनरेट की थी ना, तो ये एड सेट की कॉपी ये बनी थी, और उसके आगे उसने कॉपी लिख भी दिया, ठीक। अब इस फर्स्ट वाले एड सेट के अंदर ये वाला एक एड था, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कॉपी जनरेट की, तो इसने ये कॉपी बनाने के बाद कॉपी के आगे कॉपी लिख भी दिया, ठीक है। तो ये वाली हायरार्की थी जो मैंने आपको अभी एक पिक्चर से शो करवाई थी। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको पिक्चर दोबारा शो करवाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पिक्चर शो करवाई थी ना, कि एक कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट हैं, और एक से एड सेट में एक से ज्यादा एड्स हैं, वो ही वाली हायरार्की है। मैंने आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिकली असल में होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है अभी आप ये आपको सब जी। ये कैंपेन लेवल है। अब यहाँ में देखें, आपने अपनी कैंपेन का ना नेम भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, आप जो सी भी जिस चीज की कैंपेन रन कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपने ब्रांड की कोई कैंपेन रन कर रहे हो, तो यहाँ पे अपनी न्यू की जगह अपने ब्रांड का नेम लिखते हैं, ठीक है, तो आपके ब्रांड का क्या नाम है वो यहाँ पे लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ST शॉपिंग अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि हम सिर्फ एक ही एड तो रन नहीं कर रहे होते हैं ना, हम एक से ज्यादा एड्स रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक से ज्यादा पेजेस हैं, हम एक से ज्यादा बिजनेसेस रन कर रहे हैं, तो हम हर एक पेज के लिए अलग अलग एड रन कर रहे हैं, तो हम उसके साथ नाम लिख देंगे ना, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने ये वाले अपने इस ब्रांड की एड बनाई थी, तो हम उस एड को इजिली फाइंड भी कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसके रिजल्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आता है ये स्पेशल एड कैटेगरी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी थी, तो उससे पहले मैंने आपको वो ऑप्शन और रिजर्वेशन का बताना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ना आपने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज शो हो जाएंगी, ठीक है। अब फेसबुक ने ना अब टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हर किस्म की एड को, मतलब जो सी भी एड दुनिया में रन होगी ना वो इन 4ों में से किसी एक कैटेगरी में जरूर आनी चाहिए, ठीक है। अब इन कैटेगरीज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये क्रेडिट की कैटेगरी है,
अगर तो कुछ कोई ऐसी एड्स हैं जो कि क्रेडिट के हवाले से, मीन्स के जैसे कुछ लोन्स वगैरह लेने के लिए एड्स होती हैं कि आप हमसे लोन ले सकते हैं, व्हीकल का के लिए आप लोन ले सकते हैं, या फिर हाउस, अपना हाउस परचेज करने के लिए लोन ले सकते हैं, या फिर जैसे होता है कुछ लोग रहन पे लोन लेते हैं, मीन्स के वो अपना हाउस रहन पे रखवाते हैं और लोन ले लेते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, अगर हमें आप नहीं दें लोन, हम वापस रिटर्न नहीं कर पाएंगे इस टाइम पीरियड तक, तो अब हमारा हाउस जो होगा वो आपकी कस्टडी में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो लोन्स रिलेटेड, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो एड्स होती है ना, वो क्रेडिट की कैटेगरी में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी आती है, इसके अंदर वो एड्स आती हैं जो जॉब्स रिलेटेड हों या इंटर्नशिप से रिलेटेड हों, यानी ऐसी चीजें, जरूरी नहीं कि सिर्फ सिर्फ वो जॉब से रिलेटेड ही हों, मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जिनके बाद आप जॉब्स कर सकते हैं ना, वो भी इसमें आ जाते हैं। जैसे ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स लिखे हुए ना, यानी कुछ आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स करते हैं तो उसके बाद आपको जॉब्स मिल सकती हैं, वो वाले प्रोग्राम्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। यानी हर वो चीज जो आप, जिसका एंड जो है ना, वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में मिलेगा, वो आपको वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना, अच्छा ये दो फर्स्ट टू कैटेगरीज क्लियर हैं, क्रेडिट एंड एम्प्लॉयमेंट की आपको। यस मिस सर, अच्छा, अब आगे देखें, थर्ड कैटेगरी है हाउसिंग की। हाउसिंग में क्या होता है कि जैसे हमने रियल स्टेट का देखा था, बिजनेस जो होता है उसमें वो लोग अपने हाउसेस सेल कर रहे होते हैं, या जैसे रेंट पे कुछ लोग हाउसेस देते हैं, तो वो एड्स जो रियल स्टेट की हो, या फिर जो जैसे लोग रेंट पे हाउसेस दे रहे हैं, तो या फिर हाउस के मॉर्गेज होता है रेहन पे कुछ कर्ज देना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि घर रेहन पे रख लेते हैं और फिर वो उनको कर्ज लोन दे देते हैं, तो उस मतलब इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि इस पीरियड तक अगर आप नहीं देंगे लोन तो वो घर उनकी कस्टडी में चला जाएगा। जरूरी नहीं होता कि वो घर ही हो, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, जो आप रहन रख के वो लोन ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, यानी जो हाउसेस से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी हाउसिंग की कैटेगरी में आएंगी। अब जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ हाउसेस के परचेज करना या हाउसेस को रेंट पे लेना ही आए, वो चीजें जो हाउसेस में यूज हो रही होती है ना, वो भी हाउसिंग की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर फर्नीचर का आपने एड रन करना है ना, तो फर्नीचर यूज कहाँ पे हो रहा है, हाउसेस में यूज हो रहा है ना, तो वो भी हाउसिंग कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, फर्नीचर जो है, जो लोग जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं उन प्लेसेस पे भी यूज हो रहा था, तो वो हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट दोनों कैटेगरीज में आ जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आप एक एड रन करें ना, तो उसके लिए एक ही आप कैटेगरी चूज करें, एक से ज्यादा कैटेगरीज भी चूज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने सिलेक्ट नहीं हो रहा, मेरा नेट का प्रॉब्लम है, क्या मसला है, आई थिंक मेरा हैंग हो गया, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, और पेज अनरिस्पॉन्सिव हो गया, वी कैन वेट फॉर इट टू बिकम रिस्पॉन्सिव और एग्जिट द पेज। अच्छा, ये समटाइम ना नेट के प्रॉब्लम की वजह से, अगर आपको नेट स्लो हो रहा हो ना, तो ये ऐसे हो जाता है कि पेज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो अब या तो नेट का इशू हो सकता है, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ये रिस्पॉन्स करने का, अदरवाइज मैं आपको, हाँ जी हो गया सिलेक्ट, ये देखें एक हाउसिंग भी हो गया सिलेक्ट और एम्प्लॉयमेंट, देखें एक से ज्यादा सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगे ना कि आप जो एड रन कर रहे हैं ना, वो जिस चीज की एड है वो एक से ज्यादा कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, तो आप एक से ज्यादा कैटेगरी चूज कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो लास्ट कैटेगरी है वो है सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया है ना, अब आप देखिए ये राइट साइड पे एक आ रहा है, वेरीफाई योर चेंजेस, और इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि इस किस्म के इश्तहारात की इजाजत नहीं है, आपको समाजी मसाइल, इलेक्शंस या सियासत से मुतल इश्तहारात चलाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये देखें, जब हम इस तरह के कोई भी चलाना चाहते हैं ना, ये वो लोग चला सकते हैं जिन्होंने अपने जो अकाउंट्स है ना, ने वेरीफाई किया हुआ है, मीन्स अगर उनका जो फेसबुक का प्रोफाइल है ना, उन्होंने इसको वेरीफाई किया हुआ है कि वो सोशल मतलब वो अगर पॉलिटिशियंस हैं, तो उन्होंने अपने आपको वेरीफाई करवाया हुआ है फेसबुक से कि वो पॉलिटिक्स हैं, ठीक है। या फिर अगर जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने देखा है कुछ वो होते हैं, आई थिंक क्या उसे कहते हैं,
जैसे आपने सोशल इश्यूज के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह देखे होंगे, तो वो तो टीवी पे होते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से फेसबुक पे इस तरह के कुछ लोग वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं ना, तो उन्हें अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है कि वो सोशल इश्यूज के बारे में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर कोई भी करेगा ना, किसी को भी वो इस तरह की एड्स चलाने की परमिशन देंगे, तो कोई भी शख्स किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ एड चला सकता है, ठीक है? तो इसलिए वो पहले वेरीफाई करते हैं इस चीज को, कि अगर कुछ इलेक्शंस के से रिलेटेड कोई एड्स चल रही है या पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस अगर कोई चला रहे हैं, तो पहले उनके फेसबुक प्रोफाइल को वेरीफाई करते हैं फेसबुक वाले, फिर वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कैटेगरी सिलेक्ट वो लोग कर सकते हैं जो जिन्होंने अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवाया हुआ है, ठीक है? तो अब मेरा नहीं था ना वेरीफाई, इसलिए मुझे उन्होंने ये कह दिया कि आप ये नहीं रन कर सकते ये वाली कैटेगरी से। बस ये वेरीफाई कैसे होता है? ये वेरीफाई कैसे होता है, इसके लिए जो फेसबुक की होती है ना टीम, उनसे रابطہ करना पड़ता है, ठीक है? तो जो फिर सोशल इशू से होते हैं रिलेटेड, वो फिर उनसे रابطہ करते हैं और फिर वेरीफाई करवाते हैं अपना। ओके अच्छा, इसी तरह से ना जो अमेरिका में एक ना थे, एक मतलब इलेक्शंस हुए थे, तो उन इलेक्शंस में ना एक उनके जो सिलेक्ट हुए थे ना, मुझे ना उनका नेम नहीं याद, लेकिन ना वो उनके इलेक्शंस में उनकी सिलेक्शन हो गई थी, और उन्होंने ना अपनी कैंपेन रन की थी इलेक्शंस की, ठीक है? तो वो इन मतलब अपनी कैंपेन के थ्रू, अपने एड के थ्रू वो लोग वो ना काफी फेमस हो गए थे, और फिर उसकी वजह से वो जीते थे। तो इस तरह से ना जो बाहरी के जो कंट्रीज है वहां पे ये इलेक्शंस की कैंपेन भी पॉलिटिशियंस अपनी रन करते हैं, जैसे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि वो लोग अपने जलसे करते हैं और उनके थ्रू फेमस होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे वो लोग, क्योंकि वहाँ पे अब सब कुछ डिजिटली हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे वो अपनी कैंपेन्स रन करके भी कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ना मैंने स्टूडेंट्स अपना एक कुछ एक एग्जांपल देनी थी, जो मैंने ना एक मतलब लाइव कैंपेन बनाई हुई है, उसकी मैंने ना आपको इमेजेस दिखा के ना तो कुछ समझाना है, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास में एक लाइव कैंपेन बनाएगी भी इंशाल्लाह, जब मैं आपको सारी सेटिंग्स वगैरह हमारी कंप्लीट हो जाएंगी ना, जैसे मैंने आज आपको कुछ चीजें बताई हैं कि कैटेगरीज क्या होती हैं और ऑप्शन और रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, इस तरह से आगे ना काफी चीजें हैं अभी हमारी देखने वाली कि वो क्या है, जब हमें वो सारी समझ आ जाएंगी ना इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लास में लाइव कैंपेन रन करेंगे। तो वो उससे पहले कुछ मैं आपको चीजें ये समझाना चाहती हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैंपेन के जो लेवल्स है ना, वो हम मतलब हम डिफरेंट एक कैंपेन के अंदर एड सेट्स कैसे बनाते हैं, और वो किस बेस पे हम डिफरेंट एड सेट्स बना रहे होते हैं और एड कॉपीज किस बेस पे बना रहे होते हैं, तो वो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ना स्लाइड्स में की हुई है शो, तो वो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, ठीक है? आप ये देखें, एक ना फॉर एग्जांपल ये ना एक इस्लामिक पेज था, जैसे इस्लामिक फेसबुक पेजेस होते हैं ना, वहाँ पे इस्लामिक पोस्ट वगैरह लोग कर रहे होते हैं, तो ये पेज था जिसके ऊपर वो इस्लामिक पेज पोस्ट करते थे, और उस पेज का नाम था फेथ एंड विजडम, ठीक है? तो उसकी हमने एड बनाई थी, और मतलब जो उसके ओनर थे ना, उनको ये उनके चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनके पेज के ऊपर इंगेजमेंट बढ़ जाए, मीन्स के लोग ज्यादा से ज्यादा उनके पेज को लाइक करें, उनकी पोस्ट को लाइक करें फॉलो, और जो है ना पोस्ट के ऊपर कमेंट्स वगैरह बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतलब वो पेज जो है ना वो पहुंचे। तो अब वो मेनली मतलब वो इंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे थे ना, तो उसके लिए हमने ये एड बनाई हुई है, उस तो हमने उस कैंपेन लेवल की जो सेटिंग है ना वो आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक? तो अब यहाँ पे कैंपेन का जो नेम है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अपने ब्रांड के लिहाज से अपने कैंपेन का नेम रख लेना है, तो यहाँ से हमने जो कैंपेन का नेम रखा था, उनके पेज का नेम था फेथ एंड विजडम, तो मैंने वो नेम रख दिया, ठीक है? तो और आगे एंगेजमेंट एड लिखा हुआ है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो शो हो रहा है। उसके बाद हमने इसकी स्पेशल जो एड कैटेगरी है ना, वो हमने क्या सिलेक्ट की कि एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, मीन्स वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं वो भी, और जो हाउसेस में रहते हैं वो भी, इन उन दोनों को ये एड शो होगी, ठीक है? इसके बाद स्पेशल एड कैटेगरी कंट्री। अच्छा, इसके अंदर हमने ना ये बताना होता है कि हम किस किस कंट्री में अपनी एड को रन करना चाह रहे हैं, तो अगर तो हम चाहते हैं ना कि पाकिस्तान के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे भी आपकी एड शो हो, वहां के लोग भी आपके पेज को देखें और लाइक और फॉलो करें ना, तो फिर हम वहाँ पे बाकी हमें कंट्रीज जो है ना उनके नेम्स भी मेंशन कर देते हैं, ठीक? और ये देखने के लिए कि कौन कौन से और इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आप गूगल कर सकते हो। तो इसमें हमने मेनली पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब और तुर्की में ही एड रन किया, ठीक?
तो इसके अलावा भी आप और भी इस्लामिक कंट्रीज में कर सकते हो। तो फिलहाल हमने ये 4 में ही रन किया था ताकि हम इसमें अपने जो है ना रिजल्ट्स वगैरह देख सकें। तो इसके बाद जो है ना बाइंग टाइप हमने ऑक्शन रखी। ऑक्शन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजर्वेशन से बेहतर रहती है ऑक्शन, क्योंकि अगर आपकी एड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है ना तो आपको कम पैसों में ज्यादा रीच मिल जाएगी। तो ऑक्शन भी इसलिए ऑक्शन रख लिया करें, ये ज्यादा बेहतर होता है रिजर्वेशन से। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो एंगेजमेंट, वो तो हमने सिलेक्ट स्टार्ट में कर लेना होता है ना ऑब्जेक्टिव, तो वहां से हमने एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज किया। और ये जो एक कैंपेन है ना इसके अंदर हमने 4 टोटल एड सेट्स बनाए हैं, यानी 4 टोटल एड सेट्स हमने ये कंट्रीज की बेसिस पे बनाए। एक एड सेट वो जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एड होगी, सेकंड वो जो इंडिया के लोगों के लिए, और थर्ड सऊदी अरब के लिए, और फोर्थ तुर्की के लिए। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए ये जो एड सेट है ना ये इंडिया के लिए है। अब यहाँ पे ना ठीक है मैं इसको थोड़ा सा आपको ना जूम करके दिखा देती हूँ। अच्छा अब ये देखें ये जो लोकेशन है ना इस ये लोकेशन में आईएन शो हो रहा है, आईएन मीन्स इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो अपनी ऑडियंस का एज ग्रुप रखा है ना वो हमने रखा है कि 18 to 65+ जो एज के लोग हैं उनको हमारी एड शो हो, क्योंकि जो 18 से लेस एज के लोग होते हैं वो मोस्टली इस्लामिक पेजेस जो है ना वो नहीं विजिट कर रहे होते इतने। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, पहले बताया करें। 1 मिनट रुके मैं दोबारा करती हूँ शो। स्टूडेंट्स अब हम इंडिया के जो लोकेशन है यहाँ पे हम देख रहे थे कि इंडिया का जो एड सेट है इसमें हमने क्या सेटिंग की है अपनी ऑडियंस टारगेटिंग की। तो ऑडियंस को हमने यहाँ पे लोकेशन टारगेट की इंडिया। ठीक है। उसके बाद हमने एज जो लिमिट थी वो हमने 18 to 65 टारगेट की। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? यस मिस। ओके। अभी हमने जो एज लिमिट है वो हमने 18 to 65 इसलिए रखी कि जो 18 से जो लो एज होते हैं यंग पीपल, वो लोग नॉर्मली जो होते हैं ना मेच्योर नहीं होते इतने, तो उनका जो ज्यादा ध्यान होता है वो एंटरटेनमेंट वगैरह को देखने की तरफ होता है, वो इस्लामिक पेजेस वगैरह इतने नहीं देख रहे होते। तो इसलिए हमने ये 18 to 65+ एज लिमिट रखी। इसके बाद हमने जेंडर में ऑल को सिलेक्ट किया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं सब तक इस्लाम का मैसेज पहुंचे। ठीक है। तो इसके बाद हमने डिटेल्स टारगेटिंग में अपने इंटरेस्ट या बिहेवियर्स डिफाइन करने होते हैं अपनी ऑडियंस के। ठीक है। कि वो कि उनका इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट से बिलोंग करने वाले लोगों को हमारी ऐड शो हो, और किस बिहेवियर कौन सा बिहेवियर रखने वाले लोगों को हमारी ऐड शो हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो इंटरेस्ट डिफाइन किया उसमें हमने दिखा। अच्छा बेसिकली ना हम जब इंटरेस्ट वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं ना यहाँ पे फेसबुक पर, एक मिनट मैं आपको फेसबुक की स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस मिस। अच्छा अब ये देखें जब हम यहाँ पे एड्स अपने एड सेट पे जाके इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं ना, ये मेरी स्क्रीन फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रही, थोड़ी देर वेट करें जरा ये रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो ये हमने जब पहले अपनी पोस्ट बनाई थी पोस्ट को बूस्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट वगैरह डिफाइन ऐड करके दिखाए थे ना जब हमने डिटेल टारगेटिंग की थी उसमें। तो जब हमने अपना पेज बनाया था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, तो हमने इंटरेस्ट डिफाइन किए थे कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं हमने उनको ऐड किया था। तो आप लोगों को याद होगा जब मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखती थी या खाली मार्केटिंग लिखती थी या एड्स लिखती थी तो उससे रेलिवेंट वर्ड्स जो थे ना वो खुद ही फेसबुक नीचे शो कर देता था इंटरेस्ट, तो मैं उसमें से भी चूज कर लेती थी। याद है आप लोगों को? एक मिनट रुक के मैं देखती हूँ मेरी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव हुई है तो मैं आपको दोबारा से दिखा 1 मिनट दिखा देती हूँ। हाँ जी अब देखें इसमें नहीं हो रहा स्क्रॉल, मेरा नेट का प्रॉब्लम, आई थिंक नेट स्लो है, या फेसबुक की तरफ से भी समटाइम प्रॉब्लम आता है, फेसबुक भी स्लो होता है आजकल पाकिस्तान में, वैसे ही फेसबुक वगैरह नहीं चल रहे। चलें अब आप फिलहाल ना पिछली एग्जांपल को ही याद कर लें क्योंकि इतना फेसबुक इस टाइम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर करके तो हमने देखना ही है ना, तो तब हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे ना तब आपको दोबारा दिखा दूंगी कि जब हम एक इंटरेस्ट लिखते हैं ना, जैसे अगर मैंने जस्ट अरेबिक लिखा तो वो अरेबिक से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट पहले से फेसबुक ने ऐड किए हुए ना तो वो नीचे शो करना शुरू कर देता है, तो आप उनमें से चूज कर सकते हो। जैसे मैंने जस्ट अरेबिक लिखा उसने शो कर दिया वराइटीज ऑफ अरेबिक, यानी वो लोग जिनका इंटरेस्ट अरेबिक लैंग्वेज की वराइटीज में भी है ना तो वो भी इसने मुझे नीचे शो कर दिया वो वाला इंटरेस्ट, तो मैंने उस पर भी हम उसे भी क्लिक करके ऐड कर देंगे कि जिन लोगों का इंटरेस्ट इस अरेबिक लैंग्वेज में है या फिर उसी वैरायटीज में है। एक तो स्टैंडर्ड अरेबिक लैंग्वेज होती है ना
और एक उसकी जो वैरायटीज है उसमें भी इंटरेस्ट होगा, तो मीन्स वो इस्लाम में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है। तो हमने ये दोनों इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर लिए। उसके बाद एजुकेशन मेजर्स में हमने ये सिलेक्ट किया कि वो लोग जिनका इस्लामिक स्टडीज जो है ना मेजर सब्जेक्ट है, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसके अंदर उनका मेजर सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज है, या फिर वो लोग जो मुस्लिम है उनको भी हमने दिखानी है अपनी ऐड। इसके अलावा हमने एजुकेशन स्कूल्स में, अच्छा देखिए आपने देखा होगा कि जब हम फेसबुक पे अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं ना, तो हम उसके अंदर अपना जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से हमने स्टडी किया होता है या जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम, वो भी हम एंटर कर देते हैं ना, तो फेसबुक के पास सबका डाटा होता है। अभी हम यहाँ पे अगर हम बता देना कि हमने उन लोगों को दिखाना है जो जामिया हमदर्द के स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनका एजुकेशन स्कूल जामिया हमदर्द है, यानी या तो वो उसके स्टूडेंट है अभी वो पढ़ रहे हैं, या फिर वो वहाँ से पढ़ चुके हैं, या फिर वहाँ के टीचर्स हैं, वो सब जिन लोगों ने अपना ये डाटा अपने फेसबुक पेज के अंदर एंटर किया और फेसबुक प्रोफाइल में एंटर किया होगा कि वो जामिया हमदर्द उन्होंने सेव किया हुआ है, तो उन सबको आपकी एड शो होगी, ठीक है। अब ये जो है ना डिफरेंट इस्लामिक स्कूल्स, ये आपने सर्च करने होते हैं गूगल से, जैसे ये देखें ये इंडिया की ऐड है ना, तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना होता है इस्लामिक स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लिख के सर्च करें, ये आप काफी सारे नेम्स शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे नेम्स जो है ना फेसबुक में भी उन्होंने सेव किए हों। फेसबुक के अंदर कुछ जो बहुत ज्यादा मशहूर फेमस प्लेसेस होती है ना, उनके नेम्स पहले से फेसबुक ने सेव किए होते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो आपने यहाँ से पहले नेम सर्च करने है, उसके बाद आपने बारी बारी ये नेम्स वहाँ पे अपने जो इंटरेस्ट डेमोग्राफ ऑडियंस टारगेटिंग है, ऑडियंस की जो टारगेटिंग डिटेल टारगेटिंग वाला पोर्शन है वहाँ पे आपने लिख के सर्च करने है कि वहाँ पे सेव है या नहीं। अगर तो वहाँ पे सेव हुए हैं तो आपने उनमें से वो सिलेक्ट कर लेने, तो उन लोगों को भी आपकी ऐड शो हो जाएगी जो इन स्कूल्स में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना बेसिकली ये आपको, अच्छा आपको ये मेरी गूगल की स्क्रीन शो हो रही थी ना, ठीक है हो रही है। तो अब मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी स्लाइड्स, एक मिनट तो फिर से। अच्छा ये आप देखिए बेसिकली यहाँ पे स्कूल्स है ना वो थोड़े से शो हो रहे हैं, जस्ट ये जामिया हमदर्द है और एक मुस्लिम है और ये अल नूर इंटरनेशनल स्कूल है। हालांकि इंडिया में बहुत सारे इसके अलावा भी इस्लामिक स्कूल्स हैं, लेकिन असल में वो सब फेसबुक के अंदर जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ना, ऑडियंस टारगेटिंग वाला पोर्शन है, उसमें ऐड नहीं किए हुए फेसबुक ने। तो हमें फिर हम बारी बारी सर्च करके देखते हैं जो उनसे उन्होंने ऐड किए होते हैं वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उन सब जिन लोगों ने अपने वो ये वाले स्कूल्स अपनी फेसबुक प्रोफाइल में ऐड किए हुए हैं ना, तो स्पेसिफिकली उनको भी ऐड शो हो जाएगी। तो अब जाहिर है वो लोग जो इस्लामिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, या फिर जो इस्लामियत के टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस्लाम में इंटरेस्टेड भी होंगे, वो इस्लामिक आर्टिकल्स भी रीड करते होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने असाइनमेंट्स बनानी होती हैं अगर दूसरों को, अगर टीचर्स हैं तो उन्होंने टीच करना होता है, तो वो इस्लामिक जो मटीरियल कंटेंट है उसको सर्च करते होंगे, देखते भी होंगे, तो जाहिर है वो इस्लामिक पेजेस में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो इसलिए हम इस टाइप के लोगों को अपनी डिटेल टारगेटिंग में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमने प्लेसमेंट में ये दिखा बताना होता है कि फेस आपने अपनी ऐड किस किस जगह पे दिखानी है, यानी कहाँ आप फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे भी दिखाना चाहते हैं, जिस जिस जगह पे आप दिखाना चाहते हैं वो वाली प्लेसेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी फेसबुक पेज की ऐड थी, तो हम फेसबुक पेज पे ही, मतलब लोगों को फेसबुक को फेसबुक पे ही शो करना चाहते थे, तो इसलिए हमने ये फेसबुक को ही प्लेसमेंट के तौर पे अपने डिफाइन किया, ठीक। उसके बाद ये परफॉर्मेंस गोल, यानी आपका गोल क्या है, आपकी जो एड रन करें उसका गोल क्या है। हमारा जो गोल था वो ये था कि हमने इंगेजमेंट लाने हैं, यानी मैक्सिमम मैक्सिमम पेज लाइक्स लेकर आने हैं, ठीक है, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटेजी, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि फेसबुक जो है ऑक्शन के बेस पे भी हमें चार्ज कर रही होती है, जैसे मैंने अभी आपको ऑक्शन और रिजर्वेशन में डिफरेंस बताया था। अब यहाँ पे जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने जितना भी अपना बजट दिया है ना, उस बजट में जितना पॉसिबल हो सकता है ना, मैक्सिमम आपकी को जितनी मैक्सिमम वो फेसबुक आपको कन्वर्जन ला के दे सकता है, मैं उतनी ला कर दे, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम मीन्स ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जेंस फेसबुक आपको ला के दे आपके दिए हुए बजट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम फेसबुक हमसे पूछता है कि आप कब आप आपका मतलब गोल क्या है, आप कब चाहते हैं कि फेसबुक आपको किस
गोल के तहत आपको चार्ज करे। यानी आप अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एड है ना वो जितनी मरतबा एक शख्स को शो होगी ना उतनी दफा फेसबुक हमसे पैसे लेगा, तो फिर हम इम्प्रेशन को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी हमारी एड एक से ज्यादा मरतबा अगर किसी को शो हो तो हम वो एड जो है ना लोगों को मेमोराइज भी हो जाती है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोगों का थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, यार उन्हें मेमोराइज होना शुरू हो जाती है वो चीज़। तो अगर एक से ज्यादा मतलब उन्हें शो हो तो अगर तो हम इम्प्रेशन इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि हमारी जो फेसबुक पेज है वो लोगों की नज़र से बार बार गुजरे और उसका लोगों का वो मेमोराइज भी हो जाए थोड़ा सा, और फिर वो लोग हमारे पेज को फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा अच्छा अब ये देखें, ये जो इंडिया की एड कॉपी है ये मैं आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे हमने एक इमेज शो करवाना होता है और इमेज के अंदर हमने कुछ भी लिखा हो, जैसे इमेज किसी आप डिजाइनर से बनवा लें, ग्राफिक डिजाइनर से, या फिर आप खुद कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं। आपको कैनवा पे बनाना सिखाया है ना इमेजेस, आप खुद कर सकते हैं। और ऊपर हमने एक जो है प्राइमरी टेक्स्ट लिख देना है, अगर तो वो एड जैसे आप पाकिस्तान की है तो आप प्राइमरी टेक्स्ट भी उर्दू में लिख दें, और ये जो आपने इमेज बनाया उसके अंदर भी आप चाहे उर्दू में लिख दें या अरेबिक में, कोई आप हदीस वगैरह या कुरान पाक की आया था वो लिख सकते हैं। और नीचे हमने यहाँ पे बटन शो करना होता है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म करे आपकी इस एड के ऊपर। अगर तो आप लाइक फॉलोइंग्स लाना चाहते हैं तो यहाँ पे वो फिर लाइक्स का बटन शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे हमने इंडिया की एड बनाई ना, एड सेट बनाया इंडिया के लिए, वैसे ही हम पाकिस्तान के लिए भी एक एड सेट बनाएंगे। अब जब इसमें डिफरेंस क्या होगा, हमारी डिटेल टारगेटिंग में डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अच्छा देखिए इसमें जो लोकेशन है ना वो पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया, और एज लिमिट वही है जो हमने इंडिया में सिलेक्ट की थी, जेंडर भी वही है। जस्ट यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो आपकी डिटेल टारगेटिंग में क्रिएट हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप जब इंडिया में जो इस्लामिक स्कूल्स के नेम है पाकिस्तान में सेम वही इस्लामिक स्कूल्स के नेम्स नहीं होंगे ना, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के भी डिफरेंट नेम्स होंगे और इस्लामिक स्कूल्स के भी। तो आपने क्या करना है, आपने पहले गूगल पे सर्च कर लेना है इस्लामिक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में कौन सी है, और फिर अपने फेसबुक पे जाके देखना है। जैसे यहाँ पे देखें यह नूर इंटरनेशनल स्कूल है वो मैंने सर्च किया, इसके अलावा रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है तो वो भी हमने ऐड कर दी है, ठीक है। और ये इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, ये भी वहाँ पे फेसबुक में पहले से सेव थी सेटिंग में, हमने जस्ट इकरा यूनिवर्सिटी सर्च किया तो ये नीचे हमें ये रिजल्ट में शो हो गया, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज या फिर इस्लामिक स्कूल जो पाकिस्तान में है आपने वो वाले टारगेट करने हैं। तो इस तरह से आप पाकिस्तान को के लिए एक अलग से एड कॉपी बना लेंगे, सॉरी एड सेट बना लेंगे, और उसके लिए एड कॉपी भी अलग बनाएंगे। अब आप देखें पाकिस्तान में जो ज्यादातर लोग हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने 65 से भी अबव एज के जो लोग हैं ना उनको भी हमने टारगेट किया हुआ है। अब जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे जो है ना मतलब के पढ़े लिखे लोग ही हों, इलिटरेट भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं जानते हो, और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उर्दू में कंटेंट भी रीड करते हैं। तो इसलिए हमने जो अपनी एड बनाई है ना उसमें हमने अपने इमेज के अंदर भी जो टेक्स्ट ऐड किया वो भी उर्दू में ऐड किया, और इसके अलावा हमने जो प्राइमरी टेक्स्ट ऐड किया ना वो भी हमने उर्दू में ही ऐड किया, ताकि पाकिस्तान में जो ऐड शो हो वो उर्दू में शो हो जाए, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं ना कि एक एड सेट के अंदर एक से ज्यादा एड्स बना लें, तो हम अपना जो है ना ये वाला एड सेट ये यही रख लें कि मतलब हमारी जो ऑडियंस की डिटेल्स हैं वो यही रहे, लेकिन हम एक और इसमें एड सेट बना लें और वो एड सेट हम इंग्लिश में बना लें, और फिर हम टेस्ट कर लें कि अब हम अपनी ऑडियंस मतलब एड को रन करके देख लें थोड़े दिन के, कौन सी वाली एड सेट से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, कौन सी वाली एड सेट से हमें ज्यादा लाइक्स या फॉलोइंग्स मिल गए हैं। इसका मतलब होगा कि हम नेक्स्ट टाइम अगर एड रन करनी है तो हम पाकिस्तान में फिर उसी लैंग्वेज में एड रन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टेस्टिंग कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट करके, डिफरेंट एड सेट्स बना के, डिफरेंट एड कॉपीज जनरेट करके, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है वो मेरे से पूछ ले, अदरवाइज क्लास का टाइम ओवर हो गया जी। अगर तो क्लियर है ना तो मुझे चैट बॉक्स में क्लियर का मैसेज कर दें, तो फिर मैं क्लास वाइंड अप करती हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें आप। चलें अब ना 4 तो बजने वाले हैं, जस्ट 1 मिनट रह गया, तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए आप इसकी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझें, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आए वो क्वेश्चन आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो बाकी सेटिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने लाइव कैंपेन्स भी बनाएंगे। ठीक है।